माइनक्राफ्ट में ये वाला टीएनटी देखा है और इस टीएनटी के साथ हमने माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत कुछ बनाया है और हमने बहुत कुछ डिस्ट्रॉय भी किया। लिटरली टीएनटी के साथ हमने हीरो ब्राइन एसएमपी के अंदर एक रीमेक होता है। What? पर आज माइनक्राफ्ट में हमारे पास सिर्फ ये वाली टीएनटी नहीं होने वाली है, हमारे पास होने वाले और भी खतरनाक से टीएनटी, जैसे कि एक ऐसा टीएनटी जो घर बना सकता है, एक ऐसा टीएनटी जो तुम्हारे लिए खाना ला कर देगा, और ऑफ कोर्स गाइस टीएनटी है तो एक ऐसा टीएनटी जो आसमान से एयर स्ट्राइक गिराएगा। ऑलराइट गाइस, तुम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुके हैं और इस वर्ल्ड के अंदर हमारे पास टीएनटी होने वाली है। तो हमारे टीएनटी कहां पर? ये रहा हमारे टीएनटी, यहाँ पर है। वेट अ सेकंड भाई, यहाँ पर एक्चुअली टीएनटी लगा के रखा है, हैं? ए, तू क्या चीज है? ओ इधर आ, और मैंने गलती से मार दिया उसको, वो मेरे को मारेगा नहीं ना। ओ यस, मेरे को याद आया, ये तो एलआई है। याद है तुम लोग को माइनक्राफ्ट लाइफ के टाइम पे एक वोटिंग हुआ था कि अगला कौन सा मॉब डालना चाहिए और तभी ये एलआई जीता था, ये तो वो एलआई है। इसको टेम कैसे करते है? नहीं पता भाई, इसका आवाज कैसा है? भाई इसका आवाज ऐसा लग रहा है सुनने में खतरनाक सा, कुछ तो आवाज कर रहा है। पर एनीवे गाइस, एलआई के पास डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें वापस चलना है हमारे टीएनटी के पास। ओए यहाँ पे चेस्ट रखे दो, ये चेस्ट के अंदर क्या है? ये चेस्ट के अंदर एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल्स है, वो भी एक नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। भाई ये चीज हमें कोई एसएमपी के अंदर क्यों नहीं मिलता? बट एनीवे, हम लोग ये एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल यहाँ से ले लेंगे, एक ही स्टैक लेते हैं, जैसे लगे और लेके जाएंगे। ये चेस्ट के अंदर क्या है? ये चेस्ट के अंदर कुछ नहीं, सैड हो गया। बट एनीवे ऊपर चलते, ऊपर कुछ तो होना चाहिए। ओ भाई यहाँ पर हर जगह टीएनटी लगा हुआ है, यहाँ पे लिटरली हर जगह टीएनटी लगा हुआ है, और इसी से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें और भी खतरनाक से टीएनटीज मिलेंगे। ओ बाय द वे, यहाँ पे जमीन पे बैरल्स है, ये बैरल्स के अंदर है क्या? ओके, पहले बैरल के अंदर क्या है, और यहाँ पे है स्टोन टीएनटी, और ये क्या है? Oh guys, I think so, ये रेसिपी है। Oh guys, मेरे को अब समझा। I think यहाँ पर हर बैरल के अंदर TNT और वो सामान रखा हुआ है जो हमें चाहिए वो TNT क्राफ्ट करने के लिए, और उसके बाजू में यहाँ पर दिखा दिया है कि हमें वो किस तरह से क्राफ्ट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक स्टैक कॉबलस्टोन ले लेंगे, एक स्टैक TNT ले लेंगे, और ये क्राफ्टिंग टेबल जो हमें दिया गया है उसके अंदर अगर हम लोग जाके यहाँ पर TNT रखते हैं और फिर इसको ऐसे ऐसे कर दे, तो ये बनने वाला है अपना एक टीएनटी, और इससे बना बोल्डर टीएनटी। बोल्डर टीएनटी से क्या होता है भाई? मेरे को बोल्डर टीएनटी ट्राई करना है। व्हाट डज द बोल्डर टीएनटी डू? ओह शिट, टीएनटी जलाने के लिए तो फ्लिंट एंड स्टील चाहिए था, ये तो भूल ही गया मैं। टीएनटी लेके येड़े ऐसा आ गया, पर टीएनटी जलाओ कैसे? भाई फ्लिंट एंड स्टील रखा है कहीं पे? इनमें क्या है? ओह यस, ये रहा फ्लिंट एंड स्टील। तो हमारे पास फ्लिंट एंड स्टील है, और अभी चल के चलाते बोल्डर टीएनटी। तो बोल्डर टीएनटी चलाने पे यहाँ पे बोल्डर बन जाएगा आई गेस। तो अगर मैं इसको ऐसे लाइन से ऊपर, मैं नीचे गिर गया, अगर मैं इसको ऐसे लाइन से लगा दूं तो भाई कितने बोल्डर बनेंगे? अबे यार एक ही बना भाई, अंदर से अभी तक लाल टीएनटी है पर ऊपर से ये बोल्डर टीएनटी बन चुका है। भाई ये चीज सही है, अगर तुम्हें कहीं पे दीवार बनाना है, तुम्हें बाहर बनाना है, तो बोल्डर टीएनटी लगा सकते हो। ओह वेट, आई थिंक इस बोल्डर टीएनटी का सबसे मतलब फायदे वाला काम क्या है, अगर हमें पानी के अंदर ब्रिज बनाना हो, तो अगर हमें पानी के अंदर ब्रिज बनाना है, हम ऐसे बोल्डर टीएनटी को लगातार लगाते जाएंगे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके। आई होप सो ये काम कर जाए, प्लीज पानी के अंदर मत गिर जाना बोल्डर टीएनटी। ओके अभी हम लोग इसको चलाते हुए भागेंगे। और नहीं, शिट 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 शिट, अबे यार आधे टीएनटी पानी के नीचे जाके गिर रहे। ओके ओहो, ओह गाइस नाइस, यहां पर एक्चुअली बन गया ब्रिज। भाई ये एक्चुअली काम करता है, भाई ये एक्चुअली काम करता है। अबे शिट, यहां पे कुछ नहीं बना, पोपट हो गया। पर ओके, थोड़ा बहुत काम तो किया इसने, थोड़ा बहुत ब्रिज तो बनाया, मतलब यहां से आधा ब्रिज बनाया, वहां से आधा ब्रिज बनाया। पर मेरे को एक चीज जानना है कि अगर मैं टीएनटी के ऊपर खड़े हो जाऊं तो क्या मैं मर जाएगा? ये टीएनटी के अंदर फटने से तो नहीं मरेगा, पर पत्थर के अंदर डूबने से मरेगा। ऑलराइट गाइस, अगला टीएनटी। ओ बाय द वे, ये चेस्ट को ना मैं ऐसा कचरा पट्टी चेस्ट की तरह यूज कर सकता हूँ। तो अपना अगला टीएनटी कौन सा है? हमारा अगला टीएनटी है लाइटनिंग रॉड्स, और टीएनटी से बनेगा।
ये कौन सा टीएनटी है? ओ भाई ये बन गया था लाइटनिंग टीएनटी। अभी लाइटनिंग टीएनटी में क्या होता है? क्या लाइटनिंग टीएनटी में आसमान से बिजली गिरेगा? ओ भाई एक्चुअली आसमान से बिजली गिरा। और भाई ये लाइटनिंग टीएनटी को देखो एक बार, ऐसे लग रहा है पूरा कॉपर का टीएनटी बना हुआ है। मतलब इसको हम लोग शिट मैंने फोड़ दिया गलती से। मतलब इसको हम लोग जहां भी लगा के जलाएंगे वहां भी आसमान से बिजली गिरेगा। ओ भाई और ऐसा छोटा मोटा बिजली नहीं भाई, बहुत बड़े बड़े बिजली गिरेंगे। इसको यहाँ पे लगा के देखते। ओ जला जला, अरे अंदर गिर गया भाई। पानी के अंदर ही बिजली मार रहा है, पानी के अंदर ही बिजली मार रहा है भाई। लाइटनिंग टीएनटी वेरी ओपी। मतलब किसी का घर भी जलाने का रहेगा तो लाइटनिंग टीएनटी बना के छोड़ देगा, खत्म उसका घर। पर गाइस ये अभी तक बस शुरुआत है, हमारे पास और भी ज्यादा टीएनटी से, बहुत ज्यादा टीएनटी से ट्राई करने के लिए। तो अपना अगला टीएनटी क्या है? अपना अगला टीएनटी के लिए चाहिए गन पाउडर और टीएनटी। ओके इससे क्या बनेगा? इससे बना स्प्लिट टीएनटी। अब ये स्प्लिट टीएनटी क्या होता है? गाइस ये स्प्लिट टीएनटी दिख तो बिल्कुल नॉर्मल टीएनटी की तरह ही रहा है, बस यहाँ पे नॉर्मल पे टीएनटी लिखा होता है और इसमें क्या लिखा हुआ है? X4। तो अगर हम लोग स्प्लिट टीएनटी को जलाएंगे तो क्या होएगा? भाई एग्जैक्टली वही हुआ भाई। स्प्लिट टीएनटी में टीएनटी के चार टुकड़े हो जाते हैं और चारों टुकड़े फटते हैं। एक और ट्राई। इसको यहाँ पे लगा दिया, इसको जला दिया और ये स्प्लिट होने वाला है। ओ भाई एक के चार टीएनटी बन गए और भाई चारों के चारों टीएनटी एक साथ फटते। शिट भाई इमेजिन करो, हमने अभी तक जितने भी टीएनटी कैनन्स बनाए, अगर उन कैनन्स में हम लोग नॉर्मल टीएनटी की जगह स्प्लिट टीएनटी लगा दे तो क्या होगा भाई? बर्बादी भाई। भाई एक नॉर्मल टीएनटी लगाने पे रिवीन खुद रहे, अगर स्प्लिट टीएनटी लगाएंगे तो भाई पूरा केव खुद जाएगा। शिट भाई ये बहुत खतरनाक है भाई। नाइस। अभी तक हमने सिर्फ तीन ही टीएनटी देखा और ये तीन ही इतने ज्यादा खतरनाक है, क्या मालूम आगे क्या आएगा। सो इसे शुभ अवसर का फायदा उठाते हुए मैं मानने वाला हूँ डोरा द एक्सप्लोरर। गाइस क्या तुमको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है? क्या वो बटन वहाँ पे है? या वो बटन वहाँ पे है? या वो बटन यहाँ पे? ओ माय गॉड वो बटन नीचे है। पता नहीं मेरे को अभी तक कैसे नहीं दिखा। तो जल्दी से बटन के पास जाओ और ऐसे 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 के बारो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो को लाइक गोल रखते हैं 75,000 लाइक्स का। ओके हमारा अगला टीएनटी है। ये क्या टीएनटी है? इसके लिए हमें टीएनटी चाहिए, हमें डायमंड चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए और हमें आयरन भी चाहिए। ओके तो इस टीएनटी के लिए हमें सेंटर में टीएनटी डालना है, हमें यहाँ पर गोल्ड साइड्स में डालना है, हमें यहाँ पे डायमंड डालना है और हमें यहाँ पे आयरन डालना है, जिससे हमारा बनेगा अगला टीएनटी। और वो टीएनटी कौन सा है? और वो टीएनटी है द ओर अपग्रेड टीएनटी। व्हाट ये टीएनटी क्या करता है भाई? पहले तो ये टीएनटी देख के टीएनटी नहीं लग रहा यार, ये टीएनटी देख के लग रहा है डायमंड मिल गया भाई। ये टीएनटी देख के ना मेरे को सर्वाइवल की स्टार्टिंग की बड़ी याद आती है यार। स्टार्टिंग में याद है ऐसे डायमंड देख क्या खुशी मिलती थी कि भाई डायमंड दिखा डायमंड मिला। पर ये टीएनटी करता क्या है? हैं ये टीएनटी कुछ नहीं करता। ओ वेट अ सेकंड, ये टीएनटी का नाम है ओर अपग्रेड। आई थिंक ये टीएनटी ना ओर्स को अपग्रेड करेगा। तो यहाँ पे कहाँ पे? ओ ये रहा कोल का ओर। तो अगर मैं इस कोल के ओर के ऊपर इसको लगा के फोड़ दूँ तो क्या ये कोल ओर को अपग्रेड कर देगा? ओके तो इसने कोल ओर का कॉपर ओर बना दिया। पर क्या हम लोग कॉपर ओर को और अपग्रेड कर सकते हैं भाई? हमें डायमंड तक पहुंचना है। ओ मेरे को अभी समझा। तो ये जो ओर अपग्रेड टीएनटी है ये तुम्हारे ओर को एक एक लेवल अपग्रेड करता रहता है। अभी हमारे पास कोल था, उसका पहले इसने कॉपर बनाया, उसको हमने फिर से फोड़ा तो उसका उसने आयरन बनाया, अभी फिर से फोड़ने पे उसका गोल्ड बनाया, अभी अगर फिर से फोड़ेंगे तो शायद से डायमंड बना देगा। ओह यस भाई ओर अपग्रेड के साथ हमने लिटरली कोल के ओर को डायमंड में बदल दिया है। हमने कोयले को लेकर हीरे में बदला है गाइस। यहां से कोयला डालो वहां से हीरा निकलेगा। मजा आया। नाइस स्ट्रेटजी। पर अगर मैं डायमंड ओर को मारूं तो क्या बनेगा? वेट क्या ये नेदरराइट ओर बनेगा? क्या ये नेदरराइट ओर नहीं बनेगा।
बस इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो आप लोग बढ़ते हैं हमारे अगले TNT की तरफ। भाई अगर ये 4K यार वो नेदरराइट बन जाता तो क्या मजा आता यार। ओके अपना अगला TNT क्या है? हमारा अगला TNT के लिए हमें चाहिए TNT ब्लॉक ऑफ एमरल्ड और लॉग्स। ओके तो हमने सब कुछ डाल दिया है और इससे अपना अगला TNT आ गया है जो कि है द हाउस TNT। ओह तो ये TNT से हम लोग घर बना सकते हैं। मेरे पास ये TNT है और मुझे ना मेरा घर बनाने का है यहाँ पे। तो अगर मैं इस TNT को यहाँ पे लगा दूँ और इसको फोड़ दूँ तो क्या ये मेरा घर यहाँ पे बना देगा? अब बकरी TNT देख, भाई इसने घर बनाया, भाई TNT से अपने घर बनाया। हेलो विलेजर, भाई इतने टाइम तक हमने सिर्फ TNT से घर उजाड़े, आज हमने पहली बार TNT से घर बसाया विलेजर के साथ। ओके इसमें कुछ खाना, ओए इसमें कुछ लूट है क्या? जी कुछ नहीं है। तो अगर मैं ये TNT को यहाँ पर लगा दूँ तो मैं पानी के अंदर बहुत सारे घर बना सकता हूँ। अरे यार एक विलेजर इसके अंदर फंस गया। भाई ये TNT मस्त है यार, लिटरली TNT घर बना रहा है। ओ वेट मेरे पास एक मस्त आइडिया है। ओ भाई क्या इस TNT से हम लोग अंडर वाटर घर बना सकते हैं? यस हम लोग ये TNT से लिटरली अंडर वाटर घर बना सकते हैं। ओए विलेजर बाहर आ, मर जाएगा अंदर। विलेजर ओ विलेजर सेफ है इधर। साले मैं डर गया कि तू अंदर मर जाएगा, मैं तो बचाने को आया पर तू इधर खुश है। नहीं गाइस हम लोग इस विलेजर को जमीन पर लेकर जाएंगे। विलेजर नहीं तो खुश रह, छोड़ विलेजर, एंजॉय करो घर के अंदर। पर गाइस क्या हम लोग घर के अंदर एक और घर बना सकते हैं? और ये हमने घर के अंदर घर बना दिया। पर गाइस क्या हम लोग घर के अंदर घर बना सकते हैं? और ये हमने बना दिया एक घर के अंदर घर। बट गाइस दैट इज नॉट इनफ, यहाँ पर सिर्फ 3 विलेजर्स हैं, यहाँ पर हमें और विलेजर्स चाहिए। हमें विलेजर्स का पूरा परिवार बनाना है, हम पूरा आर्मी बनाएंगे विलेजर्स का, अभी हम बनाने वाले। और ये हमने बना दिया एक घर के अंदर घर। नहीं हमने 4 घर बनाया, हमने बनाया एक घर के अंदर घर। ओह ये बट गाइस एज आई सेड दैट इज स्टिल नॉट इनफ, हमें और विलेजर्स चाहिए। ओए बाहरा, हम बनाएंगे घर के अंदर घर। ओ नहीं अभी क्या करेंगे, अभी ना हम लोग एक घर के अंदर बहुत सारे घर बनाएंगे। तो ये हमने सारे TNT चला दिए, अभी अपना बनाने वाले हैं तो घर के अंदर घर। ये विलेजर लोग मर क्यों रहे? मैंने कुछ नहीं किया गाइस, ये होता है असली घर। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, बस देखो इस घर को, घर के अंदर घर। नाइस ओके सपना अगला TNT। तू कहां से है? ये कि धंधा करने लग गया मेरे लेके, बड़ा बेशरम है ये तो। ओके अपना अगला क्या है? तो हमारे अगले TNT के लिए हमें चाहिए TNT डर्ट कॉबलस्टोन और ओक सैपलिंग्स। इससे क्या बनेगा? मेरे को लग रहा है इससे हम लोग झाड़ बनाने वाले। तो हमें यहाँ पे कॉबलस्टोन रखना है, यहाँ पे TNT रखना है, यहाँ पे डर्ट डाल देना है और यहाँ पे ओक सैपलिंग्स रखना है, जिससे बन गया हमारा फ्लिपर रूल TNT। ये कौन सा TNT है? फ्लिपर रूल TNT क्या होता है? और ये TNT लिटरली उल्टा है। ये रहा हमारा नॉर्मल TNT और ये हमारा उल्टा TNT। तो इस उल्टे TNT से होता क्या है? आई थिंक इसने यहां से डर्ट लिया और उसको ऊपर कर दिया। एक काम करते हैं, इस फ्लिपर TNT को ना घर के अंदर ट्राई करते। तो अगर हम लोग यहां पर TNT को लगाए तो क्या ये TNT घर को उल्टा करेगा? आई थिंक सो, इसने किया है। मुझे वहां पर थोड़ा झाड़ दिख रहे, झाड़ के पास जाके ट्राई करेंगे। भाई यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा ये फ्लिपर TNT करता क्या है। ओ ये रहा एक झाड़, एक काम करते झाड़ के नीचे इसको खोदते और यहाँ लगाते फ्लिपर TNT। क्या ये TNT झाड़ को उल्टा करेगा? ओ यस
ये टीएनटी लिटरली झाड़ को उल्टा करेगा, पर अगर हमने झाड़ को एक बार उल्टा कर दिया तो क्या उसके बाद हम लोग इस झाड़ को सीधा कर सकते हैं? गाय बोल रही यस कर सकते हैं। लेट्स सी, क्या हम लोग इसे सीधा कर सकते हैं? ओह यस, हमने झाड़ को सीधा कर दिया, पर हमारे झाड़ के ऊपर डर्ट रह गया। अगर हम लोग यहाँ पे लगाए और इसको चालू कर दे तो क्या ये उल्टा हो जाएगा? भाई ये क्या बन रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर कुछ तो हो रहा है। भाई ये फ्लिपर और टीएनटी कौन से काम आएगा? आई थिंक अगर हम लोग इस फ्लिपर और टीएनटी को पूरे जंगल में हर जगह लगा दे और इसको हम लोग उल्टा पुल्टा कर दे तो पूरे जंगल का मदर फादर बैड मैनस बन जाएगा। चलाओ सारे टीएनटी को चला दो, सारे टीएनटी जल जाने चाहिए। बर्न एवरी टीएनटी, झाड़ उल्टा कर दो। भाई पूरा जंगल उल्टा हो गया। और ये नॉर्मल टीएनटी कहां से आया यहाँ पे? ओह शिट, आई थिंक मैंने थोड़ा नॉर्मल टीएनटी लगा दिए। बट एनीवे गाइस, फ्लिपर और टीएनटी पता नहीं क्या काम आएगा, पर इट्स ओके, इट्स गुड टू हैव अ फ्लिपर और टीएनटी। भाई यहाँ पे सारे विलेजर्स आ गए, तुम लोग सबको यहाँ पे क्या चाहिए? भाई वहाँ पे वो जो तीन घर बनाया वहां से सारे विलेजर उठ के इधर आके धंधा करने को, बड़े बेशरम हो। ए निकलो यहाँ से, चलो रे। भाई मेरे को तुम्हारे साथ धंधा नहीं करना है, निकलो यहाँ से, निकल यहाँ से, तू भी निकल। वो समझ गया। ओए वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, चल भाग यहाँ से। ओए फिनिश उधर, चल चल भाग भाग यहाँ से, घर पे जा, चल भाग भुक। ये मरेगा आज के दिन में, चल भाग भाग भाग, फट 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 फट। तू किधर आ रहा है, तू किधर आ रहा है, चल चल चल। आ नहीं करने का, आऊ नहीं करने का, हाँ अंदर रह। भाई शाना है विलेजर, पानी के अंदर चढ़ गया। ओके विलेजर, लेट दिस बी योर लास्ट वार्निंग, तुझे मैंने ऊपर आने को ना बोला है। ऑलराइट, हमारा अगला टीएनटी कौन सा है? भाई डर ही नहीं है यहाँ पे, हर जगह टीएनटी फोड़ रहा, डर ही नहीं है अपना। हमारा अगला टीएनटी के लिए हमें चाहिए ऑब्सीडियन और टीएनटी, तो हमें टीएनटी यहाँ पर लगाना है। ऑब्सीडियन ऐसे 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 लगाना है जिससे बनेगा अपना अगला टीएनटी, जो की है द वॉइड टीएनटी। भाई ये टीएनटी क्या करता है? भाई सबसे पहले तो इस टीएनटी को देखकर ही डर लग रहा है। गाइस सबसे पहली बात, ये टीएनटी को देखकर ही डर लग रहा है। भाई ये टीएनटी को देखकर ही लग रहा है कि ये टीएनटी कुछ तो खतरनाक करेगा, कुछ तो खतरनाक चीज ये टीएनटी पे होना है। तो ऑलराइट, हम लोग इस टीएनटी को चलाने वाले हैं। 3, 2, 1। ये टीएनटी क्या करता है? भाई टीएनटी का खड्डा बनाया। गाइस अगर मैं ऐसे बहुत सारे टीएनटी एक साथ चला दूं, ओ शिट, ओ भाई वो टीएनटी ने कितना खड्डा किया। अबे यार नीचे पानी है। गाइस आई थिंक ये वॉइड टीएनटी जो है ना, ये वॉइड टीएनटी शायद से यहाँ से लेके वॉइड तक खड्डा करने वाला टीएनटी है, बट नीचे पानी आ रहा है तो टीएनटी काम नहीं कर पा रहा है। गाइस एक टीएनटी सब कुछ कर सकता है, एक टीएनटी बेडरॉक तोड़ सकता है, एक टीएनटी लोगों को मार सकता है, एक टीएनटी घर डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर एक टीएनटी सिर्फ और सिर्फ एक चीज से डरता है और वो है वाटर। पानी आ गया तो टीएनटी डर जाता है, अगर टीएनटी के सामने पानी आ गया तो टीएनटी डर जाता है। पानी के सामने टीएनटी कुछ नहीं कर सकता, पानी इज अ टीएनटीज बिगेस्ट एनिमी। ओ भाई क्या जोर से फटा। भाई घंटा वॉइड तक खड्डा करेगा, इधर भाई 15-20 ब्लॉक थोड़े खत्म हो गया ऐसा काम। नेवर माइंड, हमारे पास और भी टीएनटीज है। ओके सो अपना अगला टीएनटी के लिए हमें चाहिए वुडन पिकैक्स और हमें चाहिए टीएनटीज और इससे बनेगा माइनिंग टीएनटी। तो वुडन पिकैक्स और टीएनटी को एक करने पे यहाँ पर बनेगा माइनिंग टीएनटी। और ये माइनिंग टीएनटी क्या करता है? गाइस ये माइनिंग टीएनटी के ऊपर आयरन ओर लगा हुआ है, पर ये माइनिंग टीएनटी करता क्या है? आई थिंक ये माइनिंग टीएनटी माइनिंग करता है। मुझसे कुछ नहीं किया। ओह वेट, आई थिंक ये जो माइनिंग टीएनटी ना, ये टीएनटी सिर्फ पत्थर तोड़ता है, क्योंकि माइनिंग में हमें पिकैक्स से ओके, तो ये जो माइनिंग टीएनटी है, ये माइनिंग टीएनटी सिर्फ और सिर्फ पत्थर तोड़ता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आ जाए जहाँ पर ओर लगे हुए हैं और मैं अगर इस ओर के आजू बाजू दो टीएनटी जला दूं तो क्या होगा?
एग्जैक्टली वही बात मैं बता रहा था। ये जो माइनिंग टीएनटी है, ये टीएनटी सिर्फ और सिर्फ पत्थर तोड़ता है, सिर्फ और सिर्फ स्टोन को तोड़ता है और जितने भी हमारे ओर्स है उसको छोड़ देता है। मतलब अगर इस माइनिंग टीएनटी के साथ तुम माइनिंग करने जाओ, तुम्हें सिर्फ लिटरली टीएनटी को लाइन में लगाना है और वो टीएनटी क्या करेगा, वो टीएनटी सारे के सारे स्टोन्स को तोड़ देगा और वहां पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा ओर्स। तो ये माइनिंग टीएनटी हमारे माइनिंग में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। बट नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट टीएनटी। तो हमारा अगला टीएनटी है टीएनटी और वुडन एक्स। अब इससे कौन सा टीएनटी बनेगा? इससे बना द फोर्जिंग टीएनटी। ओके तो फोर्जिंग टीएनटी से क्या होगा? आई थिंक जब भी हमने पिकैक्स और टीएनटी को एक किया, हम स्टोन माइन कर रहे थे, और अभी जब हमने टीएनटी और एक्स को एक किया तो मेरे को लग रहा है कि हम लोग ट्रीज माइन कर सकते हैं। तो फोर्जिंग टीएनटी से आई थिंक हम लोग लिटरली ट्रीज को माइन कर सकते हैं। मतलब अगर हमें झाड़ तोड़ना है तो हम लोग फोर्जिंग टीएनटी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा झाड़ है और अभी हम लोग इसको तोड़ के ट्राई करते हैं। तो अगर मैं इस टीएनटी को यहाँ पर लगा दूं दोनों झाड़ के बीच में, सो आई थिंक ये सिर्फ झाड़ तोड़ के दे देगा। एग्जैक्टली। और भाई इसने लॉक्स तो सारे तोड़े और साथ साथ इसने सारे लीव्स वगैरह भी तोड़ के दे दिए। तो ये टीएनटी से कुछ और नहीं फूटेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रीज फूटेंगे। नाइस आइडिया यार। ये सारे चीज ना मोजैंग को गेम के अंदर ऐड करना चाहिए। ये कंसेप्ट अच्छा है। मतलब तुम एक टीएनटी बनाने के लिए तुम लिटरली चार वुडन एक्स यूज कर रहे हो, जो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक वुडन एक्स उतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो आई थिंक ये चलेगा, ये सर्वाइवल में मस्ट चलेगा। ओके, हमारा अगला टीएनटी है ब्रेड और टीएनटी से। तो इससे कौन सा टीएनटी बनेगा? तो ये चला गया ब्रेड और टीएनटी और इससे बना है द फूड टीएनटी। फूड टीएनटी से क्या होता है? और ये टीएनटी हेबल वाला लग रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि टीएनटी फोड़ने पे हमें यहाँ पे वीट मिलेगा, ब्रेड मिलेगा या हेबल मिलेगा। नहीं गाइस, ये टीएनटी फोड़ने पे हमें यहाँ पे पूरा फार्म मिलेगा। ओ भाई, मतलब अगर तुम्हें फार्म चाहिए, तुम्हें अगर खाना चाहिए, तुम लिटरली इस टीएनटी को जला दो यहाँ पे लाके। ओ नाइस, खाने वाला टीएनटी। ये टीएनटी को जलाने पे खाना मिल जाएगा, वेरी नाइस। भाई ये भी काम का टीएनटी यार, मतलब जला दो फार्म बन जाएगा। ओके, अपना अगला टीएनटी है टीएनटी और गोल्ड इनगट से। तो इससे क्या बनेगा? और इससे बना है द लूटिंग टीएनटी। लूटिंग टीएनटी से क्या होता है? आई थिंक लूटिंग टीएनटी अगर मैं ऐसे फोड़ू तो मेरे को लगता नहीं कुछ होएगा उससे। यप, तो अगर मैं लूटिंग टीएनटी को जाके ओर के पास फोड़ू तो क्या होएगा? क्या मुझे सारे ओर्स मिल जाएंगे? नहीं है? तो ये लूटिंग टीएनटी अगर मैं शीप के पास फोड़ू, शीप वहां से हिलना नहीं। भाई लिटरली शीप को बिना मारे हमें रॉ मटन और व्हाइट वुल मिल गया। ओ शीप, तेरे को आज अपन इधर अड़काएंगे। ओए नहीं, शीप भागना नहीं है, शीप भागना नहीं है तेरे को। अंदर जा, टीएनटी के अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा। मतलब अगर मैं यहाँ पे इतने सारे टीएनटी लगा दूं एक शीप को अंदर फंसा के। ओ शिट, नहीं सॉरी, सफोकेट हो रहा था बेचारा। तो अभी गाइस हमने एक शीप को इसके अंदर बंद कर दिया है और ये बहुत अच्छा तरीका है, शीप से वुल और मटन निकालेगा बिना शीप को मारे। और अगर हम लोग यहाँ पे ये टीएनटी को चला दे तो क्या होएगा? ओ भाई, शीप ने कितने मटन दे दिए। भाई ये शीप ने कितने मटन दे दिए। ओ यस, ओ नहीं, शीप पे आग लग गई। ओ नहीं गाइस, शिट, हमारा शीप मर गया। ओ भाई, भाई ये शीप ने कुक्ड मटन दिया और ये शीप मर भी गया। भाई लूटिंग टीएनटी मस्त है यार। मतलब अगर मुझे इस घोड़े से लेदर चाहिए तो घोड़े इधर आ, तू मेरे को लेदर देगा। इधर रुक, लेदर दे। ओ नाइस, वो रहा सारा लेदर। भाई ये सही तरीका है, ये टीएनटी मस्त है। पर गाइस हमारा बेचारा शीप इधर मर गया यार। उसने हमें 17 मटन दिया, उसने 15 फूल दिया और उसने हमें कुक्ड मटन भी साथ दिया। भाई शीप के लिए यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा मेमोरियल बनाएंगे। RIP शीप। शीप कैसा दिखता है? मैं एक शीप बना रहा हूँ।
यस, ये आपने एक शीप बना दिया और हमने शीप को सर पे कुछ तो पहना दिया। ये शीप लग रहा है देख के ना गाइस, ये देख के शीप लग रहा है ना? ऑफ कोर्स लग रहा है, मैंने बनाया। आरआईपी शीप 2022 to 2022, आरआईपी शीप। ऑल राइट, हम लोग वापस जाएंगे। ऑल राइट, हमारा अगला टीएनटी कौन सा है? हमारे अगले टीएनटी के लिए हमें चाहिए टीएनटी और फायर चार्ज। भाई इससे क्या बनेगा? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे कुछ बहुत ही खतरनाक सा बनने वाला है। और इससे हमने बना दिया फायरबॉल टीएनटी। अभी फायरबॉल टीएनटी क्या करता है? मेरे को लग रहा है इससे ना आग भीग लगने वाला है, फटने बिटने वाला है। तो इसको हम लोग थोड़ा दूर जाके ट्राई करेंगे यहाँ से। ओके, इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं और इसको जला देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? व्हाट? ओ भाई, मरते मरते बचाओ मैं। भाई दो हाथ था मेरा। वेट व्हाट गाइस, ये एयर स्ट्राइक टीएनटी है। अगर ये टीएनटी को चला दो तो आसमान से एयर स्ट्राइक होगा। ओ भाई तीन आए। भाई ये खतरनाक टीएनटी है, भाई ये खतरनाक टीएनटी है। शिट 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 शिट। और अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे लगा दूं? ओ शिट, ये चल गया। ओ शिट, ये चल गया। और ऊपर से फायर चलना चालू, ऊपर से फायर चार्ज आना चालू। ओ कितने फायर चार्ज। ओ शिट, ओ शिट, ओ व्हाट 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 द हेल, ये क्या था भाई? ये क्या चीज है यार, ये क्या बस चीज है यार। ये सारे चीजें हमें हीरो ब्रायन में क्यों नहीं मिलते भाई? ये फायर चार्ज टीएनटी हमको हीरो ब्रायन में चाहिए भाई। मैंने आज तक जितने भी टीएनटी के डिस्ट्रॉयर बनाए, वो टीएनटी डिस्ट्रॉयर से मेरे को दो टीएनटी चाहिए आज के वीडियो से। पहला जो स्प्लिट टीएनटी है वो, और दूसरा ये एयर स्ट्राइक फायरबॉल टीएनटी। भाई इमेजिन करो, टीएनटी जहां पे जाके गिरेगा वहां पे आसमान से फायरबॉल्स गिरेंगी। काम करते हैं अभी, यहाँ पर ना जो घर है ना, ये घर पे लगा के ट्राई करते हैं। ओ भाई गाइस, आई थिंक मैंने थोड़े ज्यादा टीएनटी लगा दिए, बट इट्स ओके। टीएनटी चलाओ, कल्टी मारो। भाई ये घर फटने वाला है, ये घर की बैंड बजने वाली है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, कितने कितने फायरबॉल आ रहे। व्हाट भाई, भाई क्या डिस्ट्रक्शन है। ओ भाई, भाई कहां से कहां तक फटा है ये टीएनटी। शिट भाई, शिट गाइस, ये दोनों घर की तो बैंड बज गई भाई, ये घर का कुछ नहीं बचा है। व्हाट द हेल, नाइस। ऑलराइट, ओके गाइस, अभी हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे आखिरी तीन चार टीएनटी की तरफ। और वो बनाने के लिए हमें चाहिए फेदर और बैरल और टीएनटी। इससे क्या बनेगा? और इससे बना है द फ्लोटेशन टीएनटी। ओह, आई थिंक हम लोग इस टीएनटी से इस शिप को आसमान में उड़ा सकते हैं। ओए शिप इधर आ, ओए शिप, क्या तू आसमान में उड़ेगा? शिप इधर आ, शिप तू आसमान में उड़ेगा? नहीं, यही रुक, तू आसमान में उड़ेगा। भाई शिप आसमान में उड़ गया, भाई शिप आसमान में उड़ गया, पत्थर भी आसमान में उड़ गए। नहीं, I am sorry. भाई ये TNT से स्टोन ऐसे आसमान में उड़ जाते हैं और आसपास जो भी चीज है वो भी उड़ जाते हैं। एक सेकंड, क्या इस TNT के मदद से मैं खुद आसमान में उड़ सकता हूँ? ओके TNT, मेरे को आसमान में उड़ा दे। ओ ओ यस, मैं भी आसमान में उड़ रहा हूँ और मेरे को लेविटेशन लग गया है। ओके, तो ये TNT लेविटेशन लगा देता है। लगाएंगे तो ये पूरा पानी खींच लेगा। और पानी खींचो, ये टीएनटी हमने पहले यूज किया है। ये TNT बेसिकली स्पंज की तरह काम करता है, तुम्हें जहां से पानी निकालनी वहां पे लगा दो और ये TNT पूरा का पूरा पानी वहां से गायब कर देगा। नाइस। ओ वेट गाइस, ये जो विलेजर्स का घर है ना, ये घर के अंदर पूरा पानी पानी है और मैं आज इन लोग का मदद करने वाला हूँ यहाँ से पानी हटाने को। ओए हटो जरा विलेजर्स, तुम्हारे घर से पानी हटाने में आ चुका हूँ। और ये घर से पानी हट गया, नहीं हटा।
नीचे वाले घर से पानी हटाएंगे। भाई नीचे घर के अंदर कॉबलस्टोन लग गया। बट गाइस ये विलेजर्स का घर घर नहीं रहा है। नाइस। सो आई थिंक गाइस इसी के साथ अभी समय आ चुका है हमारे आज के दिन के आखिरी TNT का, और वो TNT के लिए हमें चाहिए क्राइंग ऑब्सीडियन और TNT। ओके तो हमने यहाँ पे TNT लगा दिया और हम उसको सराउंड कर देंगे क्राइंग ऑब्सीडियन के साथ और इससे बना द ब्लैक होल TNT। तो ये ब्लैक होल TNT करता क्या है? अगर मैं इस TNT को यहाँ पे लगा के जला दूं? ओ नहीं शिट, इसने को अंदर किस लिया? भाई ओ मेरे को अभी समझा, ये TNT क्या करेगा, उसके आसपास जो भी चीज है ना उसको अंदर खींचेगा। देखो मुझे भी अंदर खींच रहा है। ओ भाई गाइस ये TNT ना दूर से जला के फेंकने बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा TNT है जिससे तुम लोग दूर नहीं भाग सकते हो। ये TNT तुमको अंदर खींचेगा, तुमको पास खींचेगा और फिर फोड़ेगा। गाइस मेरे TNT फोड़ने का एक्सपीरियंस है, जब भी तुम TNT किसी के पास जलाते हो या उसको फोड़ते हो वो बंदा सीधा दूर कल्टी मारता है, मतलब सीधा भाग जाता है। और TNT को फटने में ऑफकोर्स टाइम लगता है, तो उसके पास इनफ टाइम होता है भाग जाने के लिए। पर अगर तुम्हारे पास ब्लैक होल TNT हो तो तुम लिटरली उसको खींच के अंदर फोड़ोगे। और यहाँ पर हमारे पास एक और शीप है जो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है, और इसको मैं दूर से जला के भाई शीप को धर लिया। भाई लिटरली मैं खुद नहीं भाग सकता हूँ, जो इस TNT को जला रहा है वो खुद यहाँ से नहीं भाग सकता है। पर ये कितने रेडियस तक खींचता है? अगर मैं TNT को यहाँ पर जलाऊ तो क्या ये सारे शीप वो खींच लेगा? उसने सारे शीप को अंदर खींच दिया सब साइड से। भाई ये एक और TNT है गाइस, ये गाइस एक और TNT है जो मेरे को मेरे डिस्ट्रॉयर के अंदर लगाना है। भाई ये TNT भी खतरनाक है यार, लोगों को अंदर खींच के फिर फोड़ता है, अंदर पहले खींचते फिर ऐसा फटाकने फट जाता है। नाइस नाइस TNT। सो गाइस ये थी हमारी आज की सारी एक्स्ट्रा TNTs जो हमने ट्राई किया। तुम्हें कौन सी TNT पसंद आई और तुम्हें कौन सी TNT तुम्हारे सर्वाइवल वर्ल्ड में यूज करना है मुझे कमेंट करके बताओ। सो एज ऑलवेज वीडियो देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।